हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज हम लोग 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपना जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। तो हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी सेक्शन के हैं उसको कवर करेंगे और उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो डिस्कशन शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट। सो अगर आप इसके सिलेबस प्लेसमेंट को समझेंगे तो ये जो हमारा हिस्टोरिकल एक्ट्स है इस पे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहा है और इस बार एक क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था काउंसिल एक्ट के ऊपर। तो पिट्स इंडिया एक्ट या इस तरह के जितने भी हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं, चाहे वो कंपनी रूल का हो या क्राउन रूल का हो, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर स्टेटमेंट्स को देखते चले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सही स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके पहले, उसने जो आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया था जो कमर्शियल फंक्शन को देख रहे थे, अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाकर पॉलिटिकल फंक्शन के लिए एक अलग बॉडी बना दी गई। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू गाइड देम। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, इट स्टेटेड दैट द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल इन ऑल मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज both the presidencies were in total subordination or control of the governor, the presidency of Bengal. तो ये उन दोनों के, ये दोनों जो presidencies है वो बंगाल के control में थी, उनसे independent नहीं थी in context of war and peace, इसीलिए ये वाला statement गलत है। Third statement, the offices of the governor general and the commander in chief were to be united in the same person. ज़्यादा यूनिफाइड एक्शन और अप्रोच हो सके इसके लिए इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ वाला पोस्ट था वो सेम पर्सन में यूनाइट कर दिया था। इसको यूनियन ऑफ ऑफिस कहा गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट और इसीलिए इस अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो आप इस क्वेश्चन से बाकी भी जो हमारे एक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं, आप उनके भी नोट्स अगर आप बना लेंगे, सपोज आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हैं अगर आप देखेंगे तो। आप चाहोगे अगर सपोज इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से कवर करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे कि एक एक्ट लिखा, सपोज हम बात करें काउंसिल एक्ट, और ये काउंसिल एक्ट सपोज हम बात करें 1892, तो आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर कवर कर लिया कि क्वेश्चन पूछने का अधिकार इससे आया था, हमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। आप इस तरह से दो पेज में सारे एक्ट्स को कवर करने का कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है? तो ये वाला पार्ट आपको करना है इस केस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब। सो सेकेंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट व्हाई डिड द ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नॉट मैटेरियलाइज। सो 1935 एक्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने की बात की थी इसमें, और इस ऑल इंडिया फेडरल स्कीम को एक्चुअली में रियलाइज नहीं किया जा सका या मैटरलाइज नहीं हो पाया। उसके रीज़न पूछा है कि क्यों ऐसा हुआ। तो अगर आप देखोगे इस एक्ट के अंदर कंडीशन रखा गया था कि ये इंडिया को टोटल 11 जो हम बात करते हैं प्रोविंसेस, साथ साथ 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहेंगे, और जो भी प्रिंसली स्टेट असीड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इसमें आ सकते थे। लेकिन इसको मैटरलाइज होने के लिए कंडीशन क्या था कि अगर हम काउंसिल्स की बात करें तो टोटल 104 सीट में एटलीस्ट आधे सीट्स इसमें रेडी हों ज्वाइन करने के लिए, प्लस अगर हम बात करेंगे टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट्स के हैं उसमें से 50% पॉपुलेशन को भी इसमें ज्वाइन होने के लिए सहमति देनी थी। और तीसरा प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिला कि किसी प्रिंसिपल स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। इस रीज़न से ये हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन मैटरलाइज नहीं हो पाया। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो द नेसेसरी काउंट ऑफ प्रिंसिपल स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज अनल्ड, दिस इज रॉन्ग। There was opposition from Nehru and other national leaders. Opposition होने के कारण इसको नहीं लागू किया गया, ऐसा कोई सही बात नहीं है। Definitely, Government of India Act 1935 was opposed, but the Federation did not materialize because the required number of states did not join. The outbreak of Second World War, ये भी इसका reason नहीं है। तो correct answer is A. Second answer है A. Next हम लोग देखेंगे third question अगर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड द पोजीशन हेल्ड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसपे कि अगर आप देखोगे बीपीएससी प्रीलिम्स कंटिन्यूअसली बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कभी वो इंटरिम गवर्नमेंट पे क्वेश्चन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन हो जाए, अलग अलग कमेटीज और उसके चेयरमैन के ऊपर क्वेश्चन हो जाए, टोटल टाइम टेकन जो इस लास्ट एग्जामिनेशन ने पूछा कितना समय लगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में, कितने सेशन हुए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं।
तो उसी में से ये हम लोग डायमेंशन क्या देख रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से पर्सनालिटी इन कौन कौन से पोजीशंस को होल्ड करा हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने लिखा है चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ये सही मैचिंग है क्योंकि सरदार पटेल इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स वाला जो कमेटी था उसके चेयरमैन थे। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे, पहले फुल टाइम प्रेसिडेंट कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दिस इज रॉन्ग बिकॉज बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू किन किन कमेटीज के चेयरमैन थे। चौथा बी आर राजम ऑथर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप बात करेंगे प्रियम्बल को अपने हाथों से जो लिखा गया था कैलीग्राफर जो थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसीलिए अगर आप देखेंगे थर्ड का तो कितने पेयर्स सही मैच जो वो पूछा है, करेक्ट आंसर विल बी ओनली टू पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अगर चलते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट इंडिया विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 1 क्या डिक्लेयर करता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और फेडरेशन वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए गलत हुआ। द फेडरल स्ट्रक्चर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अधियर टू द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेट राइट्स। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारे फेडरेशन को या हमारे फेडरल स्कीम को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग आप कह सकते हो रिमार्क्स दिया गया है, समथिंग लाइक इट इज अ क्वासी फेडरल कंट्री, या फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये सारा कुछ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूनिटरी प्रोविजंस है और हर स्टेट को बराबर राइट्स नहीं दिए गए, सो देर इज नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट राइट्स। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंश्योर एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, जो हमारा अपर हाउस है यानी राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वहां पर हर स्टेट का बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये यूएस में देखने को मिलता है कि वहां का जो अपर हाउस है सेनेट, वहां हर स्टेट से दो दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो राज्यसभा की सीट्स एलोकेशन है वो किस पर्टिकुलर शेड्यूल में दी गई है। तो इसीलिए अगर यहाँ देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारा है वो सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट पूछा है तो 2 and 3 ओनली, करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 एज पर द फ्रेमवर्क आउटलाइन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, किसके अंदर एस्टैब्लिश हुआ, बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, दिस इज करेक्ट। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जब आया था जिसके अंदर तीन मेंबर्स थे ए वी अलेक्जेंडर पेथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, उन्हीं के रिकमेंडेशन के प्लान के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में एस्टैब्लिश हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वॉज सपोज टू बी एलोकेटेड एन इक्वल नंबर ऑफ सीट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन, ये गलत है क्योंकि प्रोपोर्शनल आपको क्या किया गया था, सीट्स एलोकेट किया गया था, और इसके लिए एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था कि हर 1 million पॉपुलेशन पर एक सीट दी जाएगी, और पूरे के पूरे पॉपुलेशन को तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज में बांटा गया जिसमें मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल थे, और पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स एलोकेट की गई, इसीलिए यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ सीट वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पेयर टू बी अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ये सही स्टेटमेंट है कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो वहाँ के हेड के द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे, वो इलेक्टेड नहीं होंगे। चौथा 1/3 ऑफ द सीट्स फ्रॉम ईच ब्रिटिश प्रोविंस वेयर एयर मार्क फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कोई भी एक्सप्लिसिटली कुछ भी फिक्स नहीं किया गया था इनके लिए, जबकि आप जानते हैं कि जो एलोकेशन था सीट का दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसीलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 3, तो अगर पूछा यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपको यहाँ पे 1 and 3 इज द ए में दिया हुआ है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टोटल स्ट्रेंथ क्या कितना रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, इनमें से कौन कौन सी चीजों को लॉन्च किया गया है। फ्री लीगल एड,
अगर आप बात करोगे फ्री लीगल एड का, तो आर्टिकल 39A की हम बात करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, कि स्टेट शैल सिक्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो इसलिए पहला सही है। दूसरा, सॉल्विंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और बहुत सारे एक्ट, लेबर डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है, वो सब कुछ हमने इस पे अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये भी सही होगा। एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, अब आपको ये देख कर लेगा ये तो फंडामेंटल राइट 23 में जाना चाहिए, तो डीपीएससी में भी अगर आप देखोगे आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क, तो वर्कर्स का डिसेंट कंडीशन अगर आप क्या एबॉलिश कर दो, समथिंग लाइक बॉन्डेड लेबर, तो वो अपने आप इंप्रूव होगा, तो 42 को इंप्लीमेंट कर रहा है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्कुल आर्टिकल 40 के अंदर ये दिया गया था, जो गांधीयन प्रिंसिपल है। एक्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, बिल्कुल आर्टिकल 46, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कोशिश करेगा और साथ साथ उनको इनजस्टिस से बचाएगा, तो 46 को इंप्लीमेंट करें, यानी कि पांचों के पांचों जो प्रोविजंस हैं वो किसी ना किसी डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं, इसीलिए द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताना है कि अगर हम एमजी नरेगा स्कीम की बात करें, आप कमेंट सेक्शन में बताइए एमजी नरेगा किस आर्टिकल को इंप्लीमेंट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, इट टॉक्स अबाउट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज इनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है और इसको कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये पार्ट है, लेकिन इट इज़ नॉन इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसीलिए स्टेटमेंट हम लोग सही नहीं है, गलत माने। सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसिएबल एंड कैन बी इन्फोर्स बाय द जुडिशियरी। फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल हैं और कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते, इसलिए भी गलत है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो करेक्ट की जब हम बात करेंगे तो नीदर 1 एंड 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज पे एक और क्वेश्चन, ड्यूटीज आर जस्ट एथिकल गाइडलाइंस नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। अभी तक ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, बाकी स्टेटमेंट भी देखेंगे, ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो पर्टिकुलरली है वो सही है, ये मॉरल गाइडलाइंस है, ये कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं है। ड्यूटीज आर मैंशनड इन अ सेपरेट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, क्योंकि वो शेड्यूल नहीं, पार्ट 4A में ऐड हुए थे बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स, एंटायर सिटीजन ऑफ इंडिया। चौथा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एग्जॉस्टिव कवरिंग एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस कैन नॉट बी क्लेम्ड, कि आप 11 ड्यूटी में सारे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर कर सकते हो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो हम बात करते हैं, जो 11वीं ड्यूटी जो ऐड हुई थी वो क्या थी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच शेड्यूल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब दल बदल, पार्टी को स्विच करना, डिफेक्शन मतलब दल बदल, अपनी पार्टी को चेंज करना। तो बहुत ज़्यादा पार्टी स्विच लेजिस्लेटर्स करते थे इन ऑर्डर, और इस कारण से इंस्टेबिलिटी बहुत आती थी सरकारों के अंदर, इस कारण से 52nd अमेंडमेंट एक्ट ने, किसने, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया, और अगर कोई मेंबर डिफेक्शन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट का एलोकेशन, 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, और 9th शेड्यूल में जब हम बात करते हैं तो वैसे कानून की बात की गई है जो जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए उसमें प्लेस किए जाते थे, तो ये 9th शेड्यूल हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी 10th शेड्यूल। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में मेंशनड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेक्युलर सोसाइटी इन इंडिया। इंडिया की अगर सेक्युलर सोसाइटी की बात करेंगे, जो हमारा डायनेमिक सेक्युलरिज्म या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है,
उनमें से कौन सा एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगा? पहला, अवॉइडिंग डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अनदर। बिल्कुल ये डिजायरेबल है कि आप एक रिलीजन का किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे कोई तरह का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रिवेंटिंग मेंबर्स विद इन द सेम रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम डोमिनेटिंग वन अनदर। एक धर्म के अंदर भी किसी एक कम्युनिटी का दूसरे के ऊपर डोमिनेशन नहीं होना चाहिए जो मेंबर्स हैं। तीसरा, इंश्योरिंग दैट द स्टेट रिफ्रेन्स फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस एक्टिविटी। ये इंडिया में नहीं फॉलो होता है। हमारा जो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है वो इंटर रिलीजियस रिफॉर्म्स प्लस स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकता है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के लिए, जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करना। ये क्या है? स्टेट का रिलीजियस मैटर में इंटरवीन करना। तो इसीलिए करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 और 2। ओनली तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आपको बताना है कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के बीच में मेंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ बिल टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। सो आर्टिकल 3 की जब हम बात करते हैं पार्ट 1 में, तो ये नए स्टेट्स, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग हमारे स्टेट्स हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, और उसमें हम एक नया स्टेट या यूटी क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का रोल पूछ रहा है। एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव द बिल एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव अ बाइंडिंग वीटो पावर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं इसका करेक्ट प्रोसीजर, तो प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से बिल आएगा पार्लियामेंट में और इस बिल का एक कॉपी स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दिया जाएगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी एंड द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट यूनानिमसली सपोर्ट द बिल। बिल्कुल नहीं, जैसे तेलंगाना का क्रिएशन की बात जब हुई तो आंध्र प्रदेश ने अपोज किया था उस रिजोल्यूशन को। तीसरा, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स प्रोवाइड देयर व्यूज विच आर नॉट बाइंडिंग। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट परमिशन देंगे और साथ ही साथ स्टेट जो अपना व्यू देता है वो उस बाइंडिंग नहीं होगा। द प्रेसिडेंट हैज नो रोल, दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड देयर व्यूज विच आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, अब आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर आर्टिकल 3 के अंदर जो सबसे लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो किस चीज को लेकर हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डीपीएसपी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिन लोगों ने इसको स्पेन से बोरो किया था, तो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ डीपीएसपीज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, डीपीएसपी पार्ट 4 में ऐड हुआ था। Apart from articles mentioned under DPSP, there are no article in the constitution that direct the state to make certain policies. This is wrong, because जब हमने DPSP की हम बात करते हैं तो there are certain directives outside part 4 also. और जो तीन important articles हैं इसके, article 350A, article 335 and article 351. 350A कहता है कि जो भी linguistic minority group के बच्चे हैं उनका प्राइमरी एजुकेशन सरकार जो है वो किसमें, उनके मातृभाषा मदर टंग में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। 335 कहता है कि जब भी सरकारी नौकरियां निकालने जाएगा सरकार, तो उस समय उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के क्लेम्स को ध्यान में रखना है अलॉन्ग विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। और 351 कहता है कि यूनियन को डायरेक्शन देता है कि आप हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन इंश्योर करोगे ताकि एक समय आने पर ये हर जगह यूज हो सके। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है आपको, ये बाकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर को और स्टेट्स को दे रहा है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी के बाहर है। इसीलिए ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, ये क्या माना जाएगा? गलत। जो चूंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी 2 ओनली। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर जस्टिसिएबल, These are justiciable and individuals can approach the court for their enforcement. ये गलत है, ये justiciable नहीं है और कोई भी इंसान इसके लिए court नहीं जा सकता। Article 37 के according these are not enforceable in court of law.
दूसरा, DPSPs aim to establish a welfare state by securing social and economic justice. ये बिल्कुल सही है, welfare state के बारे में article 38 में लिखा है और इसमें economic और social justice achieve किया जा रहा है क्योंकि इसके जो rights हैं वो social और economic nature के हैं. The principles under DPSPs are applicable only to the central government and not to the state government. This is also wrong क्योंकि यहाँ पर जो state का definition दिया गया DPSP के लिए article 36 में, उसमें central और state दोनों governments आते हैं. तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसमें जो सही स्टेटमेंट पूछने के लिए बोल रहा है तो करेक्ट आंसर इज ओनली टू, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, ये स्टेटमेंट गलत है. आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि डीपीएसपीज में कितनी बार अमेंडमेंट्स हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर हुज गवर्नमेंट. किस सरकार के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए और किस जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. 44th अमेंडमेंट मोरारजी देसाई, दिस इज रॉन्ग क्योंकि करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट इनिशिएटेड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1975 में. एक कमेटी अपॉइंट की गई, स्वरतार स्वरण सिंह कमेटी, और उसके द्वारा जो दो साल में उसने रिकमेंडेशन दिए थे उसके बेसिस पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ड्यूटीज को ऐड किया गया पार्ट 4A में, जो कि किसके समय था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में. यहां तक समझ में आया. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे और क्या एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में और क्या ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परफेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. परफेक्टली डिस्क्राइब्स मतलब कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है आपको. पहला, प्रीएम्बल आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये गलत है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि संविधान में चेंज कैसे कर सकते हैं. सेकेंड है, प्रीएम्बल आर्टिकुलेट द वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. ये क्या कर रहा है, लोगों के वैल्यूज और एस्पिरेशंस को आर्टिकुलेट कर रहा है. तो अगर आप देखोगे प्रीएम्बल के वर्ड को वी द पीपल से स्टार्ट होता है और लास्ट में आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन पे खत्म होता है. दैट मीन्स कि जो भी इसके अंदर डिक्लेरेशन है वो लोगों के विश और एस्पिरेशंस ही होंगे. तो ये स्टेटमेंट अभी तक हमको सही लग रहा है. तीसरा देखते हैं, प्रीएम्बल लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू सिटीजन. ये गलत है, सारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन उसमें समराइज नहीं किया गया है. ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी लिबर्टी तो वहाँ पे दिया गया है, बट बाकी बहुत सारे और राइट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन नहीं है. प्रीएम्बल एस्टैब्लिशेस द सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऐसा कोई फीचर प्रीएम्बल के अंदर नहीं दिया हुआ है. सो द करेक्ट आंसर विल बी प्रीएम्बल आर्टिकुलेट द वैल्यूज एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि आखिर प्रीएम्बल में तीन वर्ड्स जो ऐड हुए थे वो कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन बोरोड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी प्रोविजन हमने बोरो किया है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं. आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज बोरोड फ्रॉम यूके. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यूके से हमने नहीं लिया है, ये हमने यूएस से लिया है. तो पहला स्टेटमेंट गलत. कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिवलेज इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हमने पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, बिल्कुल सही, आयरलैंड से हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जरूर लिया है. तो इसीलिए सिर्फ एक पेयर सही है, तो हमारा आंसर होगा ओनली वन, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयरलैंड से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अलावा और दो इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या क्या ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 241 हु हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूटी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी अ हाई कोर्ट फॉर ऑल और फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 241 में पार्लियामेंट को एक पावर दिया गया है कि वो एक यूटी के लिए सेपरेट हाई कोर्ट बना सकता है, जैसे दिल्ली के लिए बना हुआ है, जेएन के लिए बना हुआ है, और उस एरिया में बाकी जो भी चीजें हैं उस चीज को लेकर दिया जा सकता है उस हाई कोर्ट को पावर. ये सब कुछ किसको दिया गया पावर, पार्लियामेंट को करने का पावर दिया गया है. ठीक है, तो आर्टिकल 241 में ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि वो एक सेपरेट यूटी के लिए हाईकोर्ट बना सकता है. आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी कितने ऐसे हाईकोर्ट्स हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा एरियाज में है, एक से ज्यादा टेरिटरी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वेयर नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, उनमें से कौन से एक मेंबर नहीं होंगे देखते हैं. अगर एन गोपालास्वामी अयंगर थे ये मेंबर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, माधव राव भी थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे. ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर विल बी 4 और 5, ये दोनों इसके मेंबर नहीं थे. आपको क्या करना है, बाकी जो अदर देन बी आर अम्बेडकर बाकी तीन लोगों का जो नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में
लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। सिटीजनशिप इज सोलली अ लीगल कॉन्सेप्ट विदाउट ब्रॉडर इम्प्लीकेशन फॉर इक्वालिटी एंड राइट्स। सिटीजनशिप सिर्फ केवल एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसका राइट से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सिटीजनशिप इज सिविल राइट्स प्रोटेक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट टू बियर आर्म्स। ये एक डायमेंशन जरूर हो सकता है किसी कंट्री में कि आपको आर्म्स वगैरह बियर करने के लिए एक सिविल राइट है जो कि इंडिविजुअल का राइट रखा रहा है इस चीज को। तीसरा, सोशल राइट्स अंडर सिटीजनशिप प्राइमरली इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो भी सोशल राइट सिटीजनशिप के अंदर आपको मिलेगा वो ज्यादातर किसके अराउंड इन्वॉल्व करेगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है, आपको सिटीजन होने के नाते बहुत सारे और भी प्रिविलेजेस और राइट्स मिल रहे हैं, नॉट ओनली कन्फाइंड टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आखिरी स्टेटमेंट अगर देखेंगे, सिटीजनशिप इज क्लोजली रिलेटेड टू नोशंस ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स इन कॉम्पेसिंग सिविल पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशन। ये कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन हो गया कि नेशनल लेवल पे आपको एक आइडेंटिटी मिली और उस आइडेंटिटी के बेसिस पर आपको कुछ इक्वालिटी और अधिकार मिलेंगे, प्लस साथ साथ सिविल पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन आपका कवर उसके थ्रू होगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी डी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है या सिटीजनशिप को लेकर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है या स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम कोर्ट्स पोजीशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट में प्रीएम्बल के स्टेटस को लेकर कि ये पार्ट होगा कि नहीं होगा, एक सीरीज ऑफ केस चला था जिसके लेकर आपको ये स्टेटमेंट समझना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, प्रीएम्बल इज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बेरुबारी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंद भारती केस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेरुबारी केस को पलटते हुए कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, LIC ऑफ इंडिया केस अफर्म दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर क्या समझना है, affirmed जो लिखा हुआ है वर्ड कि preamble is integral part of the constitution, integral part जरूर यहां पे कहा गया था किस चीज को, preamble को, LIC versus Union of India केस के अंदर, लेकिन यहां पर समझना है कि affirm नहीं, ये reaffirm किया गया था। क्या किया गया था, reaffirm किया गया था, क्योंकि पहली बार इसके बारे में जो जिक्र है वो किसमें हुआ था, केशवानंद भारती केस में। इसीलिए हम लोग चौथा स्टेटमेंट को अगर देखें, बोथ द केशवानंद भारती केस एंड द LIC ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस रिकग्नाइज द प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज करेक्ट, क्योंकि दोनों में ये कहा गया था। इसीलिए हम लोग डी को मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मानेंगे और ये सही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग फिर आगे मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।